ऐसे शायर तक पहुंचाता हूं जिसकी आवाज में आप ऐसे झूम जाएंगे जिनका मैं खुद शहदाई फिदाई दोनों हूं। इंशाल्लाह मेरे नाम मेरे दोस्तों आपके दरमियान वो नाम उभर के आएगा। एक बात मैं बताना चाहता हूं, एक मर्तबा जो है कई शोरा के साथ हमारे कई लोग सफर कर रहे थे ट्रेन के अंदर, तो उसमें तीन आदमी मौजूद थे, एक हमारे बंगाल के थे और एक हमारे उत्तर प्रदेश के थे और उसमें हमारे एक बिहार के थे, बिहार में भी सीतामढ़ी नहीं बल्कि बर्री फुलवरिया के रहने वाले थे। ये तीनों आदमी आपस में तबसेरा तस्करा कर रहे थे कि मेरे लखनऊ वाले ने कहा मेरे यहाँ की नवाबी का क्या कहना, हम नवाबी तो मेरे यहाँ देखनी हो तो आओ शहर लखनऊ कभी दिखाता हूँ। तो उन्होंने अपने जेब से 500 का नोट निकाला और सिगरेट बना के धुकना शुरू कर दिया और कहा देखो मेरी नवाबी ये है कि मैंने 500 के नोट को लम्हे भर में जलाया और खाकिस्तर जला दिया। वहीं पे एक बंगाली बैठा था, उन्होंने उनको देखा नहीं गया तो उन्होंने 2000 का नोट निकाला ताव में, उन्होंने भी सिगरेट बनाया और धुकना शुरू कर दिया और धुकने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे नवाबी का यह आलम है कि मैंने 2000 के नोट अभी लम्हे में जला दिया। अब ये दोनों देखने लगे बेटा 2000 के अगवा तो नोटवे नहीं है, क्या करेगा ये। अब भाई फुलवरिया का क्या कहना, भाई फुलवरिया तो फूलों का दरिया है, अंदर चाहे जो कुछ भी हो मैं तो ये कहूंगा कि फूलों का दरिया है। अल्लाह ताला इस बस्ती को माशाल्लाह एक से एक हीरे जवाहरात को इस सरजमीन ने जन्म दिया है। मैं कह सकता हूँ मेरे दोस्तों ये धरती ऐसे लाल को भी जन्म देती है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर के काम को अंजाम देती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस सरजमीन ने ऐसे हीरे जवाहरात को भी जन्म दिया है जो इल्म से लेकर फिल्म तक उन्होंने काम किया है। ये रिवायत आप ये तमाम तारीखें आप जानते हैं अच्छी तरह से, ये सरजमीन हर एतबार से मकबूल है। तो वहाँ पे हमारे सीतामढ़ी और बिहार के लोगों के तरफ तवज्जो देने लगे, वो भी फुलवरिया के तरफ कि ये क्या करते हैं। तो वो मौजूद थे हमारे कल्लू मुखिया जी, तो सियासत करना कोई इनसे सीखे कि अच्छे अच्छे की जमानत कैसे वहाँ पे फलॉप की जाती है, जमानत कैसे वहाँ बचाया जाता है। तो ये खड़े हुए वहां से और ऊपर से एक सूटकेस निकाला और सूटकेस से एक चेक बुक निकाला, उस पर लिखा 50 लाख और धुकना शुरू कर दिया क्या मेरे गांव की नवाबी ये। तो मेरे दोस्तों ये फुलवरिया है, कहीं से भी ये लोग मतलब निकाल लेते हैं। जब हम में मतलब निकाल सकते हैं, जब कभी शुरुआत में प्रोग्राम में जाता है, अरे जा रहा होगा नानी के घर प्रोग्राम में, अब बाजार जाते हैं तो कहता है सुबह 7 बजे तक आएगा तो 25,000 ले आएगा, तो ये भाई होता रहता है। खैर मोहब्बतें भी आपकी मिलती है, आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। एक अच्छे शायर का अशआर को आपके हवाले करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह आप मचल जाएंगे। वो नाम किसी और का नहीं मेरे दोस्तों, जनाबे शाहिद गौहर का है, मऊ नाथ भंजन का। मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ मेरे दोस्तों, जब आएंगे वो तो आप खुद अंदाजा लगाएंगे। मैं शाहिद गौहर साहब से बिना किसी तमीज़ तातीर के गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके पास जो भी कलाम है मेरी और जो भी शेर है, इंशाल्लाह अपने शेर से हम सामईन की खिदमत करने की कोशिश करें। जनाब जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कर ले जनाबे शाहिद गौहर, मऊ नाथ भंजन, ब्रिगेडियर उस्मान की धरती से तशरीफ लाया हुआ शायर। डाइज पे जलवा फिरोज, शोहरा इकराम, उलमा इकराम और सामईन हजरात, अस्सलामु अलैकुम। आपके दयारे मोहब्बत में पहली बार हमारी हाजिरी हुई, हुई और वो भी हमारे दोस्त हैं मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब। हजरत गिरामी यहाँ से मतला हाजिर करता हूँ, समाज करें सदर मोहतरम मौलाना हसनैन साहब, इजाजत चाहता हूँ। पहले वो हमारे मुजाहिद भाई की शादी हुई है, इनके हवाले से सिर्फ एक मुखड़ा और एक बंद हाजिर करता हूँ सेहरे का, समाज करें। ठीक है मुजाहिद भाई जी। चुन के मालीन मासूम कलिया, क्या आवाज है भाई, कितना दिल कश बनाया है सेहरा। क्या दर्द है जालिम तेरी आवाज में, वाह बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब अल्लाह का करम है और आप सभी हजरात की दुआएं हैं। धुन अच्छा है। चुन के मालीन मासूम कलिया, कितना दिल कश बनाया है सेहरा। चुन के मालीन मासूम कलिया, कितना दिल कश बनाया है सेहरा। ऐसा महसूस होता है जैसे
باغ جنت سے آیا ہے سہرا. بہت بہت شکریہ بھائی. تھوڑا مائک والے بھائی سر پہ آواز تھوڑی سی کم کر دے, تھوڑی سی تھوڑی سی. چن کے مالین معصوم کلیاں کتنا دل کش بنایا ہے سہرا, ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے باغ جنت سے آیا ہے سہرا. نوازش کہ دل نیا پیار نیا دل نیا پیار نیا دل نیا پیار نیا چاند نیا رات نئی دل نیا پیار نیا چاند نیا رات نئی دو دلوں کی ہے یہ تقریب ملاقات نئی. بہت بہت شکریہ حاضر کرتا ہوں سماج. کہ دل نیا پیار نیا نیا رات نئی دو دلوں کی ہے یہ تقریب ملاقات نئی دو دلوں کی ہے یہ تقریب ملاقات نئی. اور یہ بند حاضر کرتا ہوں نازمی مشاعرہ مجاہد حسنین حبیب صاحب کے حوالے سے. کیا کرے بھائی شاہد گوہر صاحب. کلیلے شب سے کہو آنکھ میں کاجل ڈالے لے شب سے کہو آنکھ میں کاجل ڈالے پیار کی لال پری ساگر جام ڈھالے پیار کی لال پری ساگر جام ڈھالے آج دو عاشق ہیں دونوں سبھی ملنے والے. لائے ہیں گلزموں گم ہے خوشبو میں ہر ایک موج خیالات نئی گم ہے خوشبو میں ہر ایک موج خیالات نئی دل نیا پیار نیا چاند نیا رات نئی. اور یہ بھی بند سماعت کریں نظمی مشاعرہ مجاہد حسنین حبیبی صاحب جی عطا کریں کہ آج ہونٹوں پہ مسرت کی کرن جاگے گی کہ آج ہونٹوں پہ مسرت کی کرن جاگے گی آرزو مہکے گی پھولوں کی پبن جاگے گی آرزو مہکے گی پھولوں کی پبن جاگے گی لے کے انگڑائی بہاروں کی دلہن جاگے گی لے کے انگڑائی بہاروں کی دلہن جاگے گی آج نکلی ہے Hey
आज निकली है मऊ मेहर की बारात नई, आज निकली है मऊ मेहर की बारात नई, दिल नया प्यार नया जान नया रात नई। और इन्हीं दुआओं के साथ मक्ते का बंद भी समाप्त हो रही है भाई, वाह 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 वाह। बंद समाप्त करें कि सूरे हम्द की तफसीर मुबारक हो तुझे, सूरे हम्द की तफसीर मुबारक हो तुझे, मोतबर ख्वाब की ताबीर मुबारक हो तुझे, अक्द मसनून की तौकीर मुबारक हो तुझे, बात ही बात में बात ही बात में गौहर ने कही बात नहीं, दिल नया प्यार नया चांद नया रात नहीं, दिल नया प्यार नया नया प्यार नया चांद नया रात नई, दो दिलों की है ये तकरीब मुलाकात नई। हसनैन हबीबी साहब, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ माइक वाले भाई का, माशाल्लाह जितनी भी तारीफ की जाए सब कम है, एक बार इनकी आप भी तारीफ कर दीजिए माइक वाले। माइक लाजवाब है इसलिए शायर भी लाजवाब है और आप मेरा मजमा भी लाजवाब है और आप भी लाजवाब है। बहरहाल जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें और शाहिद गौहर साहब को जब इजाजत दें, अच्छी सी गजल पढ़े भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, आइए हजरात इकरामी, जितने अच्छे आप दिख रहे हैं उतनी अच्छी गजल पढ़े, आइए आइए जी, माशाल्लाह अल्लाह का करम है, खूबसूरत तो हूँ मैं, इसमें कोई शक नहीं है। आइए हजरात इकरामी चार मित्र हाजिर करता हूँ और पहले डाइज के हवाले से चार मित्र हाजिर करता हूँ समाज का। इरशाद भाई छोटे वाले माइक में थोड़ा सा देख लें आप। कि करो सोने के सौ टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, करो सोने के सौ टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, बुजुर्गों की तो आलेने से इज्जत कम नहीं होती, बुजुर्गों की तो आलेने से इज्जत कम नहीं होती, जरूरतमंद को तगड़ीज से वापस न लौटाओ, खुदा के नाम पर देने से दौलत कम नहीं। भाई शाहिद गौहर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, अच्छा पढ़ दिया भाई शाहिद। करो सोने के सौ टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, बुजुर्गों की तो आलेने से इज्जत कम नहीं होती, जरूरतमंद को तगड़ीज दे वापस न लौटाओ, खुदा के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। आइए हजरत इकरामी एक अंदाज़ है भाई, शायद लोगों का हाल बहुत बुरा हो चुका है कि किसी का कलाम कोई भी पढ़ देता है, ये चार मित्र हाजिर कर तो समाज करें, ये कलाम किसका है बाद में फैसला होगा, पहले चार मित्र हाजिर करता हूँ समाज करें। नाज़ में मुशायरा करें मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, माँ के हवाले से समाज समाज अता करें भाई, जिनको जिनको अपनी माँ से मोहब्बत हो एक बार तालियों से इस्तकबाल करें इनका माशाल्लाह, और जिनको जिनको अपनी सास से मोहब्बत हो वो भी ताली मार के बता देगा। बहरहाल समाज करें, अरे वाह वाह वाह, हो सकता है ये कलाम आप सुने हो मगर हाजिर करता हूँ समाज के। तमाम दोस्तों से कहना चाहूंगा शाहिद भाई हमारे पास सास है ही नहीं है, हमारे कुछ शायर मेरी तरफ तवज्जो दे रहे हैं। अच्छा अच्छा बारा 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 बारा। ए प्यारी माँ तेरा
चल सभी आंचल से अच्छा है। ए प्यारी माँ तेरा आंचल सभी आंचल से अच्छा है। ए प्यारी माँ तेरा आंचल सभी आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल वो हर काजल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल वो हर काजल से अच्छा है। अगर एक टाट अगर एक टाट पर पांचो नमाजें पढ़ रही है तो कसम अल्लाह की वो टाट हर मखमल से कसम अल्लाह की वो टाट हर मखमल से अच्छा है। प्यारी माँ तेरा चल तेरा चल सभी आंचल से अच्छा है। अगर एक टाट अगर एक टाट पर पांचो नमाजें पढ़ रही है तो कसम अल्लाह की वो टाट हर मखमल से अच्छा है। अल्लाह की वो टाट हर मखमल से अच्छा है। और आखिर शेर समाप्त करें। ए लोगों लड़कियों के प्यार में धोखा तो होता है। ए लोगों लड़कियों भाई आप हजरात थोड़ा जैसे इधर बैठ गए हैं संजीदगी के साथ वैसे बैठ जाएं। बड़े अच्छे लोग हैं मेरे दोस्तों। इधर जो सामने है कुछ लोग खड़े हुए अगर बैठ के सुनेंगे तो बहुत अच्छा। बैठ जाएं आप लोग। बैठ जाएंगे तो आप लोगों को सुनना भी मजा आएगा। कुछ लोग तो कुर्सी पे खड़े हुए बैठ जाए। जो हजरत कुर्सी पे खड़े हुए हैं बैठ जाए भाई। आइए हजरात ग्रामी चार मित्र नौजवानों के हवाले से हाजिर करता हूँ फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। चार मित्र नौजवानों के हवाले अता करे खामोशी बनाए मेरे भाई। तेरे धानी धानी आंचल से तेरे धानी धानी आंचल से जो चांद झलकने वाला है। ये मतलब तो हकीकत पूछे तो ये नाच में मुशायरा मजा था। नैन हबीबी साहब के हवाले से पढ़ना चाहिए मुझे। ये इनके हवाले से हाजिर करता हूँ समाज करें। ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ ये आप लोग ये सोचे कि मुजाहिद भाई पढ़ रहे हैं। कि तेरे धानी धानी आंचल से जो चांद झलकने वाला है। तेरे रानी धानी आंचल से जो चांद झलकने वाला है। मैं ईद मनाने वाला हूँ मेरा जाम झलकने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी दुआएं मिली बहुत सारा प्यार मिला मुजाहिद भाई आपके गांव आपके मोहल्ले में आके बहुत मैं खुश हूं। हाजिर करता हूं समाज करें वो मीडिया वाले भाई हमारे मुजीब भाई और आरके मीडिया और हमारे बड़े भाई। अंदाजा लगाया जा सकता है इस गजल से के शाहिद भाई आप कितने रंगीन हैं माशाल्लाह। वैसे ही देख लीजिए मैं रंगीन हूं। बहरहाल हाजिर करता हूं मतलब समाज करें। कि तेरे धानी धानी आंचल से जो चांद झल तेरे धानी धानी आंचल से जो चांद झलकने वाला है। मैं ईद मनाने वाला हूँ मेरा जाम झलकने वाला है।
और मैं छोड़ के गुलशन क्यों जाऊं, मुझे इतना बता दे माली, मैं छोड़ के गुलशन क्यों जाऊं, मुझे इतना बता दे माली, मैं छोड़ के गुलशन क्यों जाऊं, मुझे इतना बता दे ऐ गौहर, जिस भूल की हसरत है दिल में अब खिल के महकने वाला है, तेरे दानी दानी आंचल से जो चांद झलकने वाला है, मैं ईद मनाने वाला हूँ, मेरा जाम झलकने वाला है, अब मैं छोड़ के गुलशन क्यों जाऊँ, मुझे इतना बता दे ए माली, मैं छोड़ के गुलशन क्यों जाऊं, मुझे इतना बता दे ऐ गौहर, जिस फूल की हसरत है दिल में अब खिल के महकने वाला है, अब खिल के अगर मुजाहिद भाई इजाजत हो तो सिर्फ एक मतलब और एक बार भाई आप लोग सुनना चाहते हैं तो तालियों से इस्तकबाल करें जी यार, बहुत बहुत शुक्रिया, बस मेरे चाहने वाले हैं आपके भाई, मेरे भाई वो हमारे शोरा की लिस्ट बहुत लंबी है, बस एक मतलब और एक शेर हाजिर करके मैं अपनी जगह लेता हूँ, ये भी खास तौर से नौजवानों के हवाले, बड़े भाई ताबिश रेहान और अशफाक बैराजी ए भाई छज्जी पे ना चढ़े भाई, भाई छज्जी पे कौन चढ़ा भाई, भाई कोई बात नहीं है, बैठ जाए मेरे भाई, आप लोग बैठ जाए, काम हो गया उनका, बताए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि हमारे पास एक से एक बढ़कर नायाब तोहफा है, मैं आपको मैं बताना चाहता हूं कि उरुसुल बलाद महाराष्ट्र की सरजमी पे आपको जाने की जरूरत नहीं, जनाब असद बस्तवी साहब तशरीफ ला चुके हैं, मेरे दोस्तों जनाब अशफाक बहराइच साहब बहराइच से तशरीफ ला चुके हैं, मुजम्मिल हयात साहब बुखरा से और अकील गौहर साहब कथरिया से, और इसी तरह से हमारे जमील अख्तर शफीक साहब सरवारा से, और इसी तरह से मेरे दोस्तों मोहम्मद कैफ नन्ना शायर मऊ से तशरीफ लाए, मेरे दोस्तों उनको सुनेंगे तो आप बरसों रखेंगे, आपने जैसा एक चेहरा देखा हमजा गाजी कटक उड़ीसा से तशरीफ लाए हैं, ये तमाम मेरे हाथ मेरे फेवरेट है, और उसी के साथ साथ मेरे दोस्तों मैं चूंकि हर स्टेज पर जाता हूं तो मेरी मजबूरी ये है कि हमारे तमाम लोगों से ताल्लुकात है, इस बिना पे बहुत मजबूरी के कारण हमारे बीच में एक शायरा भी तशरीफ लाई है, मोहतरमा गुल्ले सबा साहेबा फतेहपुरी, तो मैं ये चाहता हूं कि 12-1 बजे के बाद मैं उन्हें इंशाल्लाह भी नहीं बुलाऊंगा, 12-1 बजे के बाद बुलाऊंगा कलाम पढ़वा के उन्हें सीधे सालिम उसे रुखसत कर दूंगा, अच्छी जगह पे शिफ्ट कर दूंगा, नहीं तो ये फुलवरिया की सरजमी बड़ी खतरनाक है, मुझे डर लगता है, इसलिए भाई मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें पढ़ा के उन्हें रुखसत कर दूं, लेकिन इस तरह से हूट करेंगे मेरे दोस्तों तो मैं अपने घर से ही उन्हें रुखसत कर दूंगा इज्जत के साथ, क्योंकि उन्होंने शिरकत किया है अदब नवाजी के साथ, अदब नवाजी का आप सबूत दें, अदब के दायरे में सुने, इस तरह से मेरे दोस्त उछल कूद करेंगे तो मुशायरा दरहम बरहम हो सकता है, माइक पर इस्तकबाल कर ले जोरदार तालियों से शाहिद गौहर का, एक मतलब और शेर अता करे भाई, अता समाप्त करे भाई, समाप्त करे मेरे भाई, कि अपने हाथों से दो, अपने हाथों से दो जहर भी तुम अगर, अल्लाह जी उसको हंस के पियूंगा तुम्हारे लिए, अपने हाथों अपने हाथों से दो जहर भी तुम अगर, उसको हंस के पियूंगा तुम्हारे लिए, अपने हाथों अपने हाथों से दो जहर भी तुम अगर, उसको हंस के पियूंगा तुम्हारे लिए,
आज दिल दे दिया हूँ मेरी दिल रुबा और कल जान दूंगा तुम्हारे लिए। माइक वाले भाई, माइक वाले भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा है, माइक चला रहे, थोड़ा सा ईगो कम कर दे माइक वाले भाई। हेलो हेलो हेलो, अरे वाह, थोड़ा सा ईगो कम कर दे, क्या तजुर्बा है भाई, वाह वाह वाह, थोड़ा सा सिर पे ईगो के अपने हाथों से तो जहर भी तुम अगर उसको हंस के पीऊंगा तुम्हारे लिए, अपने हाथों अपने हाथों से तो जहर भी तुम अगर उसको हंस के पीऊंगा तुम्हारे लिए, आज दिल दे दिया हूँ मेरी दिल रुबा और कल जान दूंगा तुम्हारे लिए। शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं मिली, बहुत सारा प्यार मिला, ये भी शेर हाजिर करता हूँ बतौर एक खास समाज के बाद दूंगा तुम्हारे लिए कि तू है लैला मेरी अल्लाह जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे कौन कहे, कि तू है लैला मेरी मैं हूँ मजनू तेरा, मर के भी मैं न छोड़ूंगा दामन तेरा, तू है लैला तू है लैला मेरी मैं हूँ मजनू तेरा, मर के भी मैं न छोड़ूंगा दामन तेरा, तू है लैला तू है लैला मेरी मैं हूँ मजनू तेरा, मर के भी मैं न छोड़ूंगा दामन तेरा, तूने अपनों को छोड़ा है मेरे लिए, मैं जहाँ छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। अरे वाह वाह वाह, तू है लैला मेरी मैं हूँ मजनू तेरा, मर के भी मैं छोड़ूंगा दामन तेरा, तू है लैला तू है लैला मेरी मैं हूँ मजनू तेरा, मर के भी मैं छोड़ूंगा दामन तेरा, तूने अपनों को छोड़ा है मेरे लिए, मैं जहाँ छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, तू है लैला। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम जयपुर की तरफ नजर, आप सुनना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों सुन सकते हैं, और एक बात मैं अपने इलाके के लोगों से तमाम दोस्तों से गुजारिश करना चाहता हूं कि यह हसीन लम्हा आप खोए ना, बाद में जब आप इनको बुलाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने तेल जलते हैं, ये फ्री में मिले हैं तो यकीन जानिए कि मंगनी के बैल का दांत नहीं देखा जाता, तो थोड़ा सा आप सुनने की कोशिश करें। भाई ऑपरेटर साहब इसमें आवाज़ दे दो भाई, छोटे माइक में दो, सिर्फ छोटे वाले माइक, बड़ा वाला ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ईगो कम करें भाई, सब कुछ सही है, ईगो कम कर दीजिए, बड़े वाले। आइए हजरत गिरामी, एक मतला एक शेर हाजिर करता हूं समाज के, फरमाइश के मुताबिक, कि दिल तोड़ने वाले सुन, दिल तोड़ने वाले सुन, क्या मैंने खता की है, क्या बात है, दिल तोड़ने वाले सुन, दिल तोड़ने वाले सुन, क्या मैंने खता की है, जब जुल्म किया तूने तब मैंने दुआ दी है, दिल तोड़ने वाले सुन, दिल तोड़ने वाले सुन, क्या मैंने खता की है, जब जुल्म किया तूने तब मैंने दुआ दी है, दिल तोड़ने वाले सुन।
مائی حضرت گرامی ایک مرتبہ اور چند شعر پڑھ کے میں اجازت چاہتا ہوں، اپنی اپنی جگہ لیتا ہوں۔ نہیں میرے بھائی، وہ دیکھیں میرے بھائی، ہلو، نام پتا نہیں، شعرا اکرام کی لسٹ بہت لمبی ہے، ان کو بھی سننا ہے میرے بھائی۔ ایک مرتبہ اور چند شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں، ایک بار زوردار تالیاں ہو جائیں ہمارے ناظم مشاعرہ مجاہد حسین حبیبی صاحب کے۔ کہ دل کی اجڑی، دل کی اجڑی ہوئی دنیا کو بسانے آ جا۔ ایک بار زوردار تالیاں ہو جائے اپنے گاؤں کے۔ کہ دل کی اجڑی ہوئی دنیا کو بسانے آ جا، دل کی اجڑی ہوئی دنیا کو بسانے آ جا، میرے محبوب میرا ساتھ نبھانے آ جا، میرے محبوب میرا ساتھ نبھانے آ جا۔ اور ایک شعر حاضر کرتا ہوں، یہ شعر حاضر کرتا ہوں ناظم مشاعرہ۔ میں بار بار یہ اعلان کر رہا ہوں کہ آپ پنڈال سے لگیں گے، پنڈال گر گیا، آپ اس طرح کریں گے تو کہاں سے سنیں گے مشاعرہ؟ بیٹھ جائے میرے بھائی، آپ پڑھتے رہے، جو جہاں وہیں سے سنے، بیٹھ کے سنے، کھڑے ہو کے سنے۔ ادب سے آؤ، یہ جو پڑھ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، سنیں۔ کہ ادب سے آؤ، ادب سے بیٹھو، ادب سے میرا سلام لے لو۔ جی عطا کر، ارے واہ، برابر، یہی پڑھ دی۔ شاہد گور صاحب کہے میں ایسے ہی پڑھ دیا ہوں آگے، میرے بھائی دیکھیے معذرت کہاں ہے، بس ویسے ہی آپ لوگوں کی ہنگامہ آ رہی دیکھ کے میں ویسے ہی پڑھ دیا ہوں کہ ادب سے آؤ، ادب سے بیٹھو، ادب سے میرا سلام لے، آگے کا مصرع ہے ہی نہیں، آپ لوگوں کا ہنگامہ دیکھ کے میں پڑھ دیا۔ برحال سماعت کریں، یہ شعر حاضر کرتا ہوں ناظم مشاعرہ مجاہد حسنین حبیبی صاحب کے حوالے سے۔ کہ دل کی اجڑی ہوئی دنیا کو بسانے آ جا، دل کی اجڑی ہوئی دنیا کو بسانے آ جا، میرے محبوب میرا ساتھ نبھانے آ جا۔ اور صاحب ایک شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، کہ میں گدا چھوڑ کے آیا ہوں میں تیری خاطر، میں گدا چھوڑ کے آیا ہوں میں جس کی خاطر، میں گدا چھوڑ کے آیا ہوں میں تیری خاطر، اپنی ان مست نگاہوں سے پلانے آ جا، دل کی اجڑی ہوئی دنیا کو بسانے آ جا، میرے محبوب میرا ساتھ نبھانے آ جا۔ سلام معزز سامعین، ابھی آپ کے درمیان سے جناب شاہد گوہر بر وزن شوہر آپ سے رخصت ہوئے، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں بڑی بڑی رنگین غزلیں بھی سنائیں انہوں نے۔ اب ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ حضرات یہاں پہ بیٹھیں گے نہیں، ہم مشاعرہ شروع کریں گے نہیں، اس طرح سے ہو ہنگامہ بنا کے سنیں گے۔